1 मिनट भी वीडियो को 1 सेकेंड भी स्किप मत करना। ये वीडियो पूरा देख लिया अगर आपने, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप बाजा के आप जो भी आपके काम अधूरे पड़े हैं वो पूरे ना हो जाएं, तो हमारा नाम बदल देना शिवराज शास्त्री। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, प्लीज वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा और देखिएगा वीडियो पूरा ही, इसकी भी 1 मिनट भी नहीं करना। आपको बरसें हो गई हैं और आपने बाजा नहीं सीख पाया, ध्यान रखना ये वीडियो को स्किप भैया मत करना प्लीज। मैं बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने आज अपना जो है 13-14 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के आगे मैं रख रहा हूँ, आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपके कमेंटों का भी जवाब दूंगा। आज का संडे का दिन है, आ जाइए। अब म्यूजिक के रिलेटेड हम आपको बातें बता रहे हैं, जैसे हम जब भी गाने के लिए बैठते हैं या सोचते हैं कि हम आज सुबह जल्दी उठकर आप रियाज करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे हम कुछ ज़्यादा हो सके जल्दी जल्दी बजाने लगें, और जब हम हारमोनियम लेकर बैठते हैं तो पता क्या होता है, तो हम कोई चीज़ सोचते हैं हाँ ये चीज़ हम निकालेंगे आज, तो हम उससे पहले तो ढूंढते हैं कि कहाँ से बज रही है, काफ़ी प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिमाग खर्च करते हैं, बट जो है उसका जो है कुछ ही नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता भी है तो उसमें आनंद नहीं आता है, तो फिर मन लगता है कि इसे हम छोड़ दें अब, है ना। ऐसा हो जाता होगा, अक्सर ही आप लोगों के पास होता है। जब मैं नया नया था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ करती थी। अब आपको करना क्या है कि आपको कैसे किस तरीके से बजाना है। देखिए बच्चा होता है वो कक्षा 1 में पढ़ता है, फिर 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, 5 में जाता है, 6 में जाता है, इस तरीके से वो डिग्री हासिल, जो भी डिग्रियां होती हैं वो हासिल कर पाता है। अगर वो बच्चा चाहे कि मैं छोटा सा हूँ और कक्षा 1 से सीधा मैं MA कर लूँ, तो वो कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना, समझदार हो आप लोग भाई, वो नहीं कर पाएगा। उसे पढ़ना होगा कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, इस तरीके से वो पहुंच कर फिर जो है जब वो 5, 6, 7, 8 में पहुंच जाता है तो उसे हिंदी और इंग्लिश पढ़ने का तजुर्बा हो जाता है, तो वो पढ़ लेता है। इसी तरीके से इसका हमारे इस गायन संग जो है हारमोनियम का ज्ञान है, गणित है, ये बहुत अटपटा गणित है, समझने वाले के लिए कुछ नहीं है और जो नए होते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। हम ये बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, लगभग हमें 13 से 14 साल हो गई हैं इसी काम पर, इसी काम में, और सब काम कर लेते हैं, भागवत से लेकर कोई सा भी म्यूजिक रिलेटेड कुछ भी हो भक्ति लाइन से, और सब आपको बताते हैं। हर किताब हमारे घर में है, ऐसी कोई किताब नहीं, हमारे घर में जो है लगभग 12-13 तो हमारे घर में पुराण रखे होंगे, ऐसी ऐसी भागवतें हैं जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। गायन के लिए ऐसी ऐसी किताबें हैं, जैसे जितने भी राजा हुए हैं, जैसे मीराबाई हो गए, नरसी हो गए, इनकी वो जो स्वामी जी ने इन पर स्वामी आधार चैतन्य ब्रजेश जी ने उनमें किताबों में से निकाला था, वो किताबें भी हमारे पास रखी हुई हैं, आपको हम दिखाएंगे। तो आ जाइए वहीं पर, बात को हम ज़्यादा घुमाते नहीं हैं इधर उधर, कि कक्षा 1-2 से बालक जब वहाँ पर पहुँचता है तब वो सीख पाता है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है कि अपने सरगम को हम अलंकार भी कर लेते हैं, सरगम भी अच्छी तरीके से वो बजा बात वही है कर लेते हैं, लेकिन बट कोई गाना नहीं निकाल पाते हैं, यही हमारे आगे कंफ्यूजन बना रहता है। इससे आप जब इसे सीख पाएंगे जब आप कक्षा 1 से पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ाई करने के लिए मास्टर अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आप कहीं भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पास सीखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जहां मर्जी है वहां सीखिए, जहां जो भी करना है आप वहां कीजिए, लेकिन कीजिए ऐसे व्यक्ति से जो आपको एक ही बार में समझा दे, एक उसका एक वीडियो देखने पर ही आपको समझ में आ जाए। या जैसे मैं 2 हफ्ते, मैं अपनी गारंटी से कह रहा हूँ ये बात, कि अगर लगन, देखिए जब तक लगन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। भजन नहीं गाते हैं कि लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जब तक आपकी लगन नहीं होगी, समझ रहे हो ना हमारी बात, जब तक आपकी लगन नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं बजा पाओगे, ये ध्यान रखना, जब तक आपकी लगन नहीं होगी। लगन डालना बहुत जरूरी है, अगर लगन वाला व्यक्ति मुझे मिल जाए जिसकी लगन लगी हो, तो मैं गारंटी करके कहता हूँ कि सिर्फ 5 से 7 दिन में मैं हारमोनियम उसे सिखा दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 5 से लगन वाला व्यक्ति होना चाहिए जिससे लगन हो। अब वो आप सोच रहे होंगे 5 से 7 दिन में कैसे बता दोगे, तो मैं उसकी जो लगन है उसे देख कर मैं उसे, और वो मेहनत करेगा, जब उसकी लगन होगी तो वो मेहनत जरूर करेगा,
और मेहनत करेगा तो सीख भी जाएगा, है ना, ये आपको पता भी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लगन डालनी है हारमोनियम में। हारमोनियम की ही बात नहीं है, कोई सा भी कार्य करें, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस भी कार्य में आप जब तक लगन नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और बिना कोशिश किए कभी हार माननी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो वीडियो आगे देखते हैं, जो कमेंटें आपकी आई हैं वो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। बहुत तो आ जाइए, जो कमेंट हैं वो हम आप ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं भाई, इतने पैसे वाले हैं नहीं तो दूसरा मोबाइल खरीद सकें, बड़ा एक ही मोबाइल हमारे पास है, और आप लोगों के लिखने पड़ते हैं हमको कमेंट, और इतने हम लिख नहीं पाते हैं क्योंकि हर 2-5 मिनट में एक कमेंट आ जाता है। इसलिए माफ़ी चाहूँगा, अगर किसी का कमेंट छूट रहा हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। और जो नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आगे देख कर सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए तो बहुत बहुत ही धन्यवाद। तो आ जाइए अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंद किशोर यादव जो हैं ये कह रहे हैं, गुरुजी एक गज़ल हमें बता दीजिए, तो बिल्कुल बताएंगे। उसके बाद में पारुल गुप्ता जो हैं ये एटा से हैं, इनको भी जो है हम बताएंगे, ये भी पूछ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं दीपावली की, बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर राजपूत ये लिख रहे हैं, गुरुजी आपके जैसा कोई बाजा नहीं बजा सकता है, बट हम इतना हमें दर्जा मत दीजिए, और इतना कुछ हम ज़्यादा नहीं करते हैं, और आपकी दुआ है गुरुजी के लाइन पर, जैसे लाइन स्वामी जी आधार चेतन जी की लाइन तो हम आप करेक्टली बताते ही हैं। इसके बाद में और आ जाइए, और आपको हम कमेंट बता रहे हैं, आर्यम राजस्थानी ये राजस्थान से जुड़े हुए हमारे चैनल पर हैं, ये सब वीडियो पर ही हमारे कमेंट करते हैं। अमित शर्मा सांडी से जो है ये पर्सनल सीखने वाले हमारे हैं, ये भी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। विमल कुमार कुशवाहा ये दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो इनके पूरे परिवार को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद में पूजा कुशवाहा ये भी हर वीडियो पर लगभग हमारे दोनों चैनलों पर कमेंट करते हैं। इसके बाद में मोहर सिंह जो हैं ये अभी अभी जुड़े तो हमसे बहुत पहले के हैं यूट्यूब पर, ये भी पर्सनली इन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मनोज सिंह परिहार जो हैं ये भी लगभग बहुत पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में नीरज साक्या जी हैं ये भी धन्यवाद दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेर सिंह जी हैं ये भी धन्यवाद दे रहे हैं, ब्रज किशोर जी हैं ये भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, दीपू शास्त्री जी हैं ये भी दे रहे हैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो रुचि यादव कानपुर से हैं ये भी भागवत कर्ता हैं, ये भी सीख रही हैं, मतलब जानती सब कुछ हैं, बहुत होशियार हैं, गा भी बहुत अच्छा लेती हैं, जुड़ी हुई हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में अमित शर्मा अमित शास्त्री जी हैं ये भी लिख रहे हैं, बहुत बहुत हमें बधाई दे रहे हैं। अमर सिंह हरदोई से लिख रहे हैं, गुरुजी ये चीज़ क्यों किसी ने नहीं डाला, आपने डाला है, तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रदीप सिंह लिख रहे हैं, बहुत बहुत वेरी नाइस, आपके जैसा कोई नहीं कुछ कर सकता है, तो माफ़ कर देना। सोनू वाजपेयी जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी, तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जजोरिया लिख रहे हैं कि आप जैसा साउंड क्वालिटी कोई नहीं दे सकता है, आप इतनी अच्छी साउंड अपने जो है अपना दिखा दीजिए कि ये साउंड आउंड कैसा जो है, आप जो भी आपका साउंड का डेकोरेशन है वो कैसा है, तो हम जल्दी ही वीडियो में आपको दिखाओगे कि जो हमारा साउंड सिस्टम है वो स्वयं हमारी तरफ से बनाया हुआ है, बट हमने कुछ परचेस नहीं किया है, अपने हाथों से ही इलेक्ट्रॉनिक काम, हम भी पूरा भी इलेक्ट्रॉनिक काम कर लेते हैं, उसी से हमने ये अपने आप ही बनाया है, आपको दिखा देंगे हम, जो भी मिक्सर वगैरह हो तो वो अपने हाथ से ही एक एक पुर्जा जोड़ कर बनाया है। इसके बाद में सुनील जिझोरिया ये बताया इन्होंने, माता दीन कुशवाहा लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में राम फूल यादव लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह दीवाना लिख रहे हैं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, तो इनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत गुरुदेव जी धन्यवाद, तो धन्यवाद इनके लिए। मोहम्मद आरिम सलमानी जो है ये हमारे मोहम्मदन जी हैं, तो इनके लिए भी, और बहुत मोहम्मदन हमसे जैसे सदीम जी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग ये भी सीखने वाले हैं, तो ऐसे लोगों महान हस्तियों को मेरा बार बार प्रणाम। जयवीर सिंह लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। इसके बाद में और जो है फोन आ रहा है हमारा, एक मिनट हम अटेंड कर लें। हेलो हेलो, इसके बाद में आगे देखिए और जो और कमेंट। आध्यात्मिक गोस्वामी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
सुखवीर यादव लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी हमें धन्यवाद दे रहे हैं। राम प्रकाश फिरोजाबाद से, इनका भी हर वीडियो पर कमेंट आता है। रेणु पांडे जी लिख रहे हैं, पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित आशुतोष शास्त्री लिख रहे हैं बहुत वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, आप जैसा बताते हैं बिल्कुल समझ में आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। पंकज रावत जिला एटा से लिख रहे हैं, आप जैसा भी बताते हैं एकदम से करेक्टली मेरे समझ में आ जाता है। अमित यादव लिख रहे हैं बहुत शुक्रिया भाई आप हमें समझाने के लिए। राज बहादुर लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारे कमेंट हैं कि मैं आपको पढ़ नहीं सक बता नहीं सकता हूँ, काफ़ी लोगों का छूट गया होगा। अब तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत